आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में महज कुछ ही समय बचा है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इस हिसाब से योगी सरकार को 4.5 साल का समय हो गया है और इस दौरान योगी सरकार ने विकास के नाम पर कई कार्य किए, बड़े बड़े वादे किए और बड़े बड़े वादों को पूरा करने में भी कसर तो नहीं छोड़ी। लेकिन उनका एक वादा ये भी था, पिछले साल अक्टूबर माह में योगी सरकार ने वादा किया था कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप सभी को याद होगा कि अक्टूबर माह में उन्होंने वादा किया था कि नवरात्रि से पहले प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन वो वादा उनका जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। प्रदेश की सड़कें अभी भी योगी सरकार के वादों को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल जहां पर सीएम योगी का या फिर उनके उच्चाधिकारियों का दौरा होता है वहां तो सड़कें रातों रात बन जाती हैं, लेकिन प्रदेश में राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर सड़कें अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। सड़कों को देखकर यही नहीं पता चलता है कि सड़क पर गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में बीबीडी के पास में मानस गार्डन कॉलोनी में एक सड़क जो कि पिछले कई सालों से जस की तस बनी हुई है। योगी सरकार ने वादा तो बड़ा बड़ा किया था लेकिन वो सड़कें अभी भी योगी सरकार के वादों को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही है। गौर से देखिए इन सड़कों को, पता ही नहीं चल रहा है इन सड़कों पर गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। जिस तरह से बरसात के मौसम में इन सड़कों पर पानी भर जाता है, राहगीरों को न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों की नजर इन सड़कों पर नहीं पड़ती। आखिर क्यों इन सड़कों पर किसी भी उच्चाधिकारियों की नजर नहीं पड़ती है? एक तरह से देखा जाए यदि सीएम योगी के उच्चाधिकारियों के आने से ही सड़कें बनती है तो फिर ये सड़कें सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएंगे, क्योंकि इन सड़कों पर कभी सीएम योगी का दौरा ही नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं राहगीरों से कि उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये इस सड़क पे आपका रोजाना जाना रहता है? नहीं, कभी कभी रहना रहता है। लेकिन देखिए ये सड़कें ऐसी, मतलब आप जहाँ से आते हैं वहाँ भी सड़कें ऐसी हैं या फिर बस यहीं पे आप देखते हैं? लगभग सब जगह ऐसे ही आ रही है एरिया में, बाकी बाहर साइड गोमती नगर, इस तरफ गोमती नगर में नहीं, गोमती नगर साइड तो बहुत सारे सरकारी ऑफिस है, इस वजह से वहाँ ठीक है। लेकिन आप बताइए, योगी सरकार को 7 साल से अधिक का समय, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, तो इस हिसाब से योगी सरकार का वादा कहाँ तक काम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वादा तो नहीं काम कर रहा है और क्या, कहाँ तक, क्या 20% मान के चलिए काम कर रहा है अपना। उनका एरिया वो भी है ना गोमती नगर में, मतलब उनका मंत्री आवास वहीं पे है, तो वाला एरिया पूरा सही साफ है जी। तो इस तरह से ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। अगर गांव में ऐसी करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप देखिए बीजेपी जो है वो वीआईपी एरिया है और ऐसे में ये करके आप क्या कहना चाहेंगे? इसका होना तो ऐसे तो काफ़ी दिक्कत है, बाकी यहाँ नहीं, हर जगह काफ़ी दिक्कत है जी। तो ये सड़क कब से ऐसे ही पड़ी है, कोई आया नहीं अधिकारी इसको सही करने? कंपनी की नहीं है ये, पीडब्ल्यूडी विभाग की है। ऐसा कि अभी उन्होंने बताया कि नगर निगम की सड़क है, तो नगर निगम को सही करना चाहिए ना सड़क, तो गड्ढा है इसमें, एक्सीडेंट हो सकते हैं। अरे कचरे का डायरेक्ट है और डायरेक्ट नहीं गया। अच्छा, बोला गया था आपको कि यहाँ डाल के चले? अच्छा, ये पक्की कौन बन रहा है? ये रोड मानस गार्डन के अंतर्गत आती है या पीडब्ल्यूडी विभाग की? तो फिर कंपनी क्यों सही करेगी? कंपनी ने खराब की है, इसलिए सही करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मानव गार्डन के लिए जो रोड है, ये पीडब्ल्यूडी के भाग में आती है या कॉलोनी के अंतर्गत आती है? अभी योगी सरकार को 4.5 साल से अधिक का समय हो गया। अगर ये रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आती है तो इसका मतलब ये यूपी में सड़क आती है। अब यूपी में यदि आती है तो योगी सरकार ने वादा किया था कि सड़कें सारी गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, तो ये सड़क भी यूपी में ही है और राजधानी लखनऊ में है। आप सड़क को गौर से देखिए, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा, आप खुद ही बताइए लोगों को कितना परेशानी हो रही है जी। बरसात का मौसम थोड़ा सा चीज़ को लोगों को भी कॉपरेट करना पड़ेगा, ये सड़क बनाई जाएगी तो फिर कुछ दिन बाद ये। लेकिन सर अभी आप देखिए, अगर इसको आप वैसे नहीं बना सकते हैं कि इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत कर दी जाए, जिससे क्या है कि लोगों को परेशानी है। सर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, इस पर क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या कॉलोनी की गलती है कि यहाँ पर?